जी हाँ नमस्कार सभी साथियों का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूँ। लाइक एंड शेयर कीजिए चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं पत्रकार संदीप नोखवाल बताना चाहूंगा कि हुड्डा साहब के रिटायर होने का टाइम आ चुका है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि पावर में आते ही कांग्रेस सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने इस चीज की रिक्वेस्ट डाल दी है कि हुड्डा साहब को अब कोई भी पावर या किसी भी प्रकार का पद ना दिया जाए। यानी नेता प्रतिपक्ष वो फिलहाल मौजूदा है, लेकिन उनको हटाने की कोशिश में शैलजा जुट चुकी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इसके लेकर काफी विधायकों की सहमति भी है कि हुड्डा साहब को अब रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि हुड्डा साहब की उम्र 80 साल के आसपास हो चुकी है, तो वो रिटायर के योग्य हो चुके हैं। इसी चीज को देखते हुए शैलजा पूरा एक्शन ले चुके हैं। हाँ, यहां तक कि मीटिंग के अंदर हुड्डा साहब को बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि आप पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन शैलजा कह रही है कि आप किस हक से बोल रहे हैं, आपको बोलने की किसने कहा। यानी हुड्डा साहब सिर्फ एक विधायक बनकर रह चुके हैं, सिर्फ सांपला के एक विधायक बनकर रह चुके हैं, क्योंकि हार का कारण जो राहुल गांधी समेत हाईकमान भी हुड्डा को इसका दोषी करार ठहरा चुका है। यानी हरियाणा के अंदर हार का कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है, उनकी गुटबाजी ही है, हुड्डा साहब कंट्रोल नहीं कर पाए। अब बात की जाए तो गुटबाजी की, कांग्रेस के अंदर कुमारी शैलजा पावर में आते ही दूसरा बड़ा एक्शन लिया है कि गुटबाजी करने वाले नेताओं को कांग्रेस पार्टी अब बाहर का आईना दिखाएगी, यानी उनको कंट्रोल करेगी। अगर कंट्रोल नहीं होते हैं तो आने वाले चुनावों के अंदर उनको टिकट से वंचित रखा जा सकता है, वो हुड्डा गुट के नेता हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बगावत हुड्डा गुट के नेता उनके ही, जहां से शैलजा के समर्थक थे उनका टिकट कटवाने का काम किया, या कहीं से शैलजा को बदनाम कर कांग्रेस पार्टी के नेता को हराने का काम किया। इसलिए कुमारी शैलजा उन लोगों की लिस्ट मंगवा रही है जिन्होंने भीतरघात करके कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया, यानी उनमें सबसे ज्यादा हुड्डा गुट के ही नेता है जिसने कांग्रेस पार्टी को हराने के काम किया। तो भी इन नेताओं पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, उनको बाहर का आईना दिखाया जा सकता है। दूसरी कोशिश यहाँ पर शैलजा की रहेगी कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही जल्द नेता प्रतिपक्ष चुने और वो नेता प्रतिपक्ष हुड्डा गुट से ना हो। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पत्ता कटना तो बिल्कुल साफ हो चुका है, यानी शैलजा पत्ता काट ही चुकी है पावर में आते ही। अब इनकी जगह वो ये भी कोशिश कर रही है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री का कोई समर्थक ना हो, कोई गुट का सदस्य ना हो, यानी निष्पक्ष तौर पर किसी नेता को चुना जाए। अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर भी यहाँ पर खींचतान चल रही है, कोशिश की जा रही है कि अध्यक्ष पद एक बार फिर से जो अनुभवी शख्स है अशोक तंवर, जिन्हें पहले भी अनुभव है कांग्रेस चलाने का, पहले भी अध्यक्ष पद के तौर पर रह चुके हैं, तो अशोक तंवर को अध्यक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है। अब पूरी तरह से जो दिमक कांग्रेस को खा रही थी, उस दिमक को दूर करने में शैलजा जुट चुकी है। यहां पर शैलजा कह चुकी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 3 चुनाव लड़ चुकी है और तीनों चुनावों के अंदर हारना पड़ा। जी हां, आप देख सकते हैं 2014 चुनाव, 2019 चुनाव, 2024 चुनाव, अब चौथा चुनाव में बिल्कुल भी मौका पूर्व मुख्यमंत्री को ना दिया जाए। यानी साफ साफ कहूंगा कि साफ साफ यहां पर काफी लोग जो जातवाद की राजनीति फैलाते हैं, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर शैलजा अब जाटों को साफ करने में भी जुट चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है, काफी जाट नेता आज भी शैलजा के करीबी है और शैलजा उन्हें अच्छा मान सम्मान भी दे रही है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सिर्फ उनकी नीतियों के कारण ही दूर किया जा रहा है, या जो नेता कमेंट करते हैं, जिन नेताओं ने कमेंट किए चुनाव के समय शैलजा को बदनाम करने की, या तो उन्हें दूर किया जा रहा है, अब उनको फिल्टर किया जा रहा है। इस पर फैसला कुमारी शैलजा केवल अकेले नहीं बल्कि हाई कमान की भी इस पर सहमति होगी। आप लोगों को क्या कहना है कि शैलजा को अब कांग्रेस को किस तरीके से चलाना चाहिए, पावर मिलते ही शैलजा को क्या क्या नए बड़े फैसले लेने चाहिए, आप लोग अपने विचार कमेंट जरूर करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।